गीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू तेल से ही मिलेगा यहीं। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ इस समय सीतापुर शहर के आप कह सकते हैं नई बस्ती के पीछे का मोहल्ला है, या यूं कहे साईं मंदिर के पड़ोस का इलाका। आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं यूं तो आपको जो है जमीन पर जो है खड़ा दिखाई पड़ रहा हूं, लेकिन आपको बता दें सच्चाई तो यह है कि यह सराय नदी की जो मुख्य धारा जो आपको आसपास मिट्टी कट के जो नदी का वो बनता है मार्ग बनता है उसके बीच जो है मार्ग पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं यह सीतापुर नगर की एकमात्र नदी है और इसे काफ़ी मुख्य माना जाता है जीवन के लिए, या यूं कहे सीतापुर के जो है काफ़ी ज़्यादा उद्योगों के लिए, कृषि के लिए, तमाम जो है ऐसी वजहें हैं जिनके लिए आप इस नदी को जो है जीवनदायिनी कह सकते हैं। वाटर लेवल भी इसमें आता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह नदी अब लगभग सूखने की कगार पर है और यह तब है जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है और तमाम मौजूदा सरकार गंगा नदी को लेकर के, यमुना नदी को लेकर के, नदियों को लेकर के तमाम योजनाएं चला रही है, उनको उनके पुनरुद्धार के लिए, उनको जो है साफ सफाई कराने के लिए। लेकिन सीतापुर शहर की यह एक नदी है जिसको आप देख सकते हैं कि इसके हालात क्या हैं। आपको बता दें इस नदी को जो है स्थानीय लोगों का मानना है कि इस नदी को अब जो है नाला घोषित कर दिया गया है। इसके आसपास आपको बता दें जो उद्योग लगे हैं उनका जो है गंदा पानी आता है, इसके अलावा आबादी का जो गंदा पानी है वह भी आता है और वह सभी जो है इसमें बहते हैं। तो अब यह सिर्फ और सिर्फ एक नाले का काम कर रही है। आपको बता दें हम या यूं कहें कि जो सीतापुर है वह उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो विश्व का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, जहां पर हजार से अधिक नदियां जो है रहती हैं, जो है अन्नदाता किसान उनकी सिंचाई के लिए, उद्योग जो आसपास है उनके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर लेवल के लिए जो है हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन सीतापुर में जो है स्थानीय प्रतिनिधि जो तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है इसके लिए क्या किया है, इसको लेकर आज हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि यह जो सीतापुर की एक मुख्य नदी है इसको लेकर के उनके क्या विचार हैं। आपको एक अहम जानकारी और देना चाहेंगे कि इस नदी को लेकर के जो मौजूदा सरकार के कारागार गृह राज्य मंत्री हैं, सीतापुर से हर गाँव से वो विधायक हैं और यूपी सरकार में मंत्री हैं सुरेश राही, उन्होंने अपनी ही सरकार को इस जो है नदी के पुनरुद्धार के लिए पत्र भी लिखा था, लेकिन अभी तक इसका कोई पुरसा हाल जो है नहीं हुआ है। और आपको बता दें पिछले दिनों जो मौजूदा गठबंधन प्रत्याशी हैं राकेश राठौर, उन्होंने भी जो है इसको लेकर जो है काफ़ी साफ सफाई कराने का काम किया था, लेकिन वक्त के साथ फिर से ये अपने पुराने हालातों में है। इन्हीं बातों को लेकर आज हम यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे। राजन, अच्छा ये जो आपकी सरायन नदी है, हाँ, इतनी गंदी संदी पड़ी रहती है, हाँ, पानी नहीं आता है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अब यहाँ को सफाई करने वाला तो है नहीं और मच्छर है, मतलब दुनिया सब कीड़ा मकोड़ा है, कैसे कहें किससे कहें सफाई करने के लिए। ये बताइए पहले इसमें पानी आता था? पहले पानी तो आता था, इससे ज़्यादा आता था, कम से कम यहाँ हुजिया तक लग जाता था, अब इसमें पानी नहीं आ रहा। क्या हमने यहाँ देखा है धोबी घाट बना हुआ है, हाँ, जो धोबी वर्ग के लोग आते हैं, हाँ, तो यहाँ कपड़े वपड़े धुलते हैं, हाँ कपड़े धुलते हैं, इसी गंदे पानी से धुल ना धुलते ना है, जो इमा टेबुल लगाया ला रहा है, इमा कुछ लगा ही ना है तो कैसे धुलें, हुजिया सब नांदे मुंद गई हैं, अच्छा सब इंतजाम रहा। आप लोगों कहाँ लोग धुलते हैं? वो लोग
अब घर से धो के लावत है यहाँ सुखो लेते हैं। अच्छा, घर से धुल के लाते हैं? हाँ, सुखा लेते हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि जो यहाँ के नेता ऐसा हैं सीतापुर के, हाँ, ये सब इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, हाँ, ये सफाई नहीं कराते? गरीब आदमी कौन सुना दादा। अच्छा, नहीं, नदी तो सबके लिए है ना, कोई एक आदमी के लिए तो नहीं है। हाँ, नदी सबके लिए, सबके लिए है, सबके लिए तो कुछ करते नहीं? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजन। हाँ, यहीं रहते, ये मकान है। क्या नाम है भैया? किशन कश्यप। तो किशन जी, ये बताइए कि जो आप तराई नदी के किनारे रहते हैं जी, यहाँ पे ये पहले नदी हुआ करती थी जी, नाला हो गई जी, जी जी जहाँ पे पहले पानी नहीं आता था, अब इसको तो नाला घोषित कर दिया गया है। अच्छा, इसी मारे जहाँ पानी नहीं आता है, जहाँ बाढ़ भी आ जाती थी, हम लोग जाते थे स्कूल, स्कूल में रहते थे, मगर अब बाढ़ आने की नहीं सुविधा है। पानी इतनी गर्मी हो रही, इतनी सूख रहा है, जहाँ पे सामने कूड़ा पड़ा रहता है, हम लोग रहते हैं, पन्नी सब घर घर उड़ उड़ जाती हैं, कूड़ा जलाते हैं, नगर पालिका से कहो तो वो कहते हैं अपने हाथ कर लीजिए जी, तो हम लोग ये कहते हैं जहाँ पे टीन लगा दीजिए, उसी में कूड़ा डाला जाए, उसी में आगे लगाएं, जैसे भी आए बेफे दिन है, जहाँ उठा नहीं है कूड़ा। ये बताइए, ये नदी की सफाई वफाई होती है? जहाँ पे एक चक्कर हुई है, तो जहाँ मंत्री जी आए थे, बस उसी में, उसी राही जी की प्रतिमा लगी थी, हाँ, बस तभी हुई थी, तो मंत्री जी में हम भी उसमें थे नगर पालिका की तरफ से, जेसीबी में बैठ के साफ करवाए थे, बस फिर उसके बाद चली गई जेसीबी, फिर कुछ नहीं। इससे पहले गठबंधन जो प्रत्याशी हैं राकेश राठौर, उन्होंने भी एक बार नदी सफाई का अभियान चलाया था, क्या कहेंगे? वो तो खाली कैची पुल तरफ थी, बस मछली मंडी कैची पुल तरफ, बस जहाँ नहीं हुई है, जहाँ आशीष मिश्रा ने एक चक्कर कराया है, बस फिर उसके बाद नहीं हुई है। अच्छा, मौजूदा जो सरकार है इसकी ओर से जो है कोई प्रयास आपको दिखे? अब क्या कहें भैया, गरीब ने भी कोई कहावत हो गई, आप कौन होते हैं? अच्छा, अरे आप मतदाता हैं, लोकतंत्र है, जनता शासक होती है, आप कहिए, खुल के कहिए। अब नहीं, बस हो गया, नमस्कार। क्या नाम है? किशन कश्यप, साहिबा मंदिर रोड, सीतापुर। अब हम मौजूद हैं सराय नदी के किनारे बने साईं मंदिर के पास। आपको बता दें, हमारे पास एक बुजुर्ग श्री प्रकाश मौजूद हैं, जिनका इस नदी के को लेकर 30 से 40 वर्ष पुराना अनुभव है। हम इनसे जानेंगे कि इस नदी का पुराना स्वरूप कैसा हुआ करता था और कैसे यह नदी बदलते बदलते इस जीर्ण छीर्ण अवस्था में पहुंची। क्या नाम है दादा आपका? श्री प्रकाश। अच्छा, ये बताइए कि ये जो नदी है, आप तो काफ़ी वर्षों से, कब से जानते हैं आप? काफ़ी दिन से रहते थे। कितने वर्ष? 30-40 साल हो गए। 30-40 हो गए। तो आप हमें ये बताइए कि अब से 30-40 साल पहले, जब आप बाल्यकाल या युवावस्था में हुआ करते थे, तब ये नदी का स्वरूप कैसा था? तो बहुत बड़ी सी नदी, मतलब पानी भी बहता था, बाढ़ भी आती थी जी, समझ गए जी। और बाढ़ होने के बाद अब नाला घोषित किया गया, इसमें पानी बहुत कम है। नहीं तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो नदी इस रूप में पहुंची, तो ये कैसे पहुंच गया? आपने तो देखा होगा, कैसे पानी धीरे धीरे कम होता चला गया, कैसे कम होता गया? अब ये वहाँ जहाँ छोड़ा जाता है, ये वहाँ से जानने का। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि नदी में पानी कम छोड़ा जाता है, इस कारण से ऐसे हालात पहुँच गए। अच्छा, ये बताइए कि स्थानीय जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या कोई इसके लिए प्रयास करता है? नहीं, कोई प्रयास नहीं। लोग बताते हैं कि जो मंत्री सुरेश राही जी हैं, उनके पिताजी ने जो है यहाँ पर ये मंदिर बनवाया, और अभी वर्तमान समय में जो मौजूदा मंत्री हैं सुरेश राही जी, उन्होंने नदी को लेकर के जो है अपनी ही सरकार को पत्र लिखा, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? साहब, तो करना चाहिए, मतलब इस सब बातें को। अच्छा, हाँ, करना, मतलब आप क्या मानते हैं? आप तो बुजुर्ग अनुभवी इंसान हैं, आप क्या मानते हैं कि इस नदी को आगे कैसा बनाया जाना चाहिए? फिर से नदी के स्वरूप में ले जाए, या नाले जैसे सूखने की कगार पे पहुंच रही है ऐसे छोड़ दिया जाए? नहीं तो फिर गवर्नमेंट जाने पर इसके बारे में कि अगर नदी बनाए, मतलब जो है उसके लिए सोचे वो, या ऐसे मतलब रखे तो इसके लिए भी सोचे वो, इसके बारे में हम क्या बताएं आपको। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह जो आपको लाल पानी वाली नदी दिख रही है, यह लाल पानी जो अभी तक हमने खबर में जाना, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, वो कैमरे के पीछे सामने आने से तो कतरा रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे ऑफ रिकॉर्ड ये जानकारी दी कि यह जो नदी का पानी है, वह नदी का पानी, इसके पहले कुछ उद्योगों के बारे में वो जिक्र कर रहे थे कि इसके पहले कुछ उद्योग लगाए गए हैं
उनका ये प्रदूषित पानी यहाँ पर आता है, आप देख सकते हैं पानी ठहरा हुआ है और इतना ज़्यादा प्रदूषित है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर इसे किसी जानवर ने भी पिया तो शायद वो बीमार हो जाएगा, इंसान की तो बात छोड़ दीजिए। आपको बता दें सीतापुर जो जिला है यह गंगा यमुना का जो जल ग्रहण क्षेत्र है विश्व का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में हजारों नदियां हैं गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत। इसके तहत आपको बता दें गोमती, शारदा, काली सिंध और जो है घाघरा तमाम नदियां आसपास से निकलती हैं, लेकिन यह जो सीतापुर ज़िले में सीतापुर नगर के बीच से यह नदी गुजरती है, आप देख सकते हैं कि बीचों बीच से यह नदी गुजरती है उसका यह हाल है। आपको बता दें काफ़ी समय पहले स्थानियों के अनुसार इस नदी का स्वरूप काफ़ी विकराल और काफ़ी बड़ा माना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है बताया जाता है कि लोगों ने बताया कि इसे नाला घोषित कर दिया गया और अब नदी का यह स्वरूप रह गया है। यहाँ पर तो आपको कुछ जल स्तर जो है दिखाई भी पड़ रहा है लेकिन वह प्रदूषित है, लेकिन इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो नदियों का मतलब इस नदी का स्वरूप है वह बिल्कुल सूखने की कगार पर है। आपको बता दें नदी जो है जो किसी भी जिले की जो है जीवन दायिनी होती है, वाटर लेवल को लेकर के, कृषि के पानी को लेकर के, आसपास पनपने वाले उद्योगों को लेकर के, लेकिन लोकसभा चुनाव का दौर है, जो है सभी नेता सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं, मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन यह जो सीतापुर की जीवन दायिनी एक नदी मानी जाती है यह किसी भी जो है प्रत्याशी की जबान पर उसका जो है इस नदी का नाम नहीं आ रहा है। आपको बता दें कुछ दिन पहले यहाँ पर जो अभी आपको हम एक मंदिर दिखा रहे थे यह सीतापुर के प्रतिष्ठित साईं मंदिर के नज़ारे थे और इसे पूर्व गृह राज्य मंत्री जो है रामलाल राही ने बनवाया था, उनके बेटे जो मौजूदा सरकार यूपी सरकार में मंत्री हैं सुरेश राही, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित कराई थी और उन्होंने इस नदी के जीर्णोद्धार को लेकर के अपनी ही सरकार में पत्र भी लिखा था, लेकिन अभी तक जो है कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई है, कोई भी उसका पुरसहाल नहीं है। फिलहाल आपको बता दें लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां तमाम दावे कर रही हैं लेकिन सीतापुर की इस सराय नदी का किसी की जुबान पर नाम तक नहीं है। कैमरे के पीछे हसन गोगा हैं और मैं रुड़ेश अवस्थी सीतापुर। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।